हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन मशीन वाला है और ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। तो कैसे ये इंस्टॉल किया जाता है, OLT से ONU तक कितनी पावर ले जाती है, कैसे स्प्लाइसिंग होता है, कैसे डिवाइडेशन होता है, स्प्लिटिंग होता है और कस्टमर एंड पे कितना पावर हम दे पाते हैं और कितना पावर रखना चाहिए और हम प्रैक्टिकली इसमें कस्टमर एंड पे कितनी स्पीड मिलती है, कितने का प्लान हम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम ये इंटरनेट की सर्विस जो है वो सूरत गुजरात में अडाजन एरिया में ग्रीन सिटी रोड पे हम ये सर्विस दे रहे हैं इंटरनेट की अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और ये एरिया के हम BSNL के ऑथोराइज फ्रेंचाइजी भी है। तो यहाँ पे आपको जो भी टेलीफोन की सर्विस हो या इंटरनेट की सर्विस हो वो सारी सर्विस हम देते हैं। आपको BSNL के नए प्लान चाहिए, BSNL का कनेक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अपने होम ऑफिस और शॉप के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आपको BSNL के प्लान भी मिल जाएंगे और हमारे जो वाईफाई प्लान है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये साइरोटेक की OLT है और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो चार पॉन्स है इससे हम 8-9 dBm का पावर यहाँ से थ्रू होता है और ये जो है बैटरी बैकअप, जब भी बिजली जाती है तो हमें यहाँ से बैकअप मिल जाता है इससे। और ये जो है हमारा राउटर है जो कस्टमर एंड पे लगेगा, ये भी देखिए आप DBC का हम यूज़ कर रहे हैं, TEC अप्रूव्ड है, हम सारी चीज़ें जो है वो TEC अप्रूव्ड ही यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे पाए। यहाँ पे फाइबर इनपुट जाएगा, यहाँ पे पावर जाएगा और ये जो दो है वो लैंड पोर्ट है। तो ये जो प्लान है वो हम 50 Mbps का प्लान थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम कस्टमर एंड पे हमारा पावर ले आए हैं, हम स्प्लिटिंग करके इस तरीके से पावर यहाँ पे लाए हैं कि कस्टमर को -20 से 25 के बीच में हम पावर दे पाए यहाँ पे। तो एक जॉइंट जो है वो हमारा कस्टमर एंड पे कस्टमर घर के बाहर लगेगा, यहाँ पे देख रहे हो हमने बॉक्स बनाया हुआ है, और दूसरा जो जॉइंट है वो कस्टमर के घर के अंदर हमने कंसील वायरिंग करवाई हुई है तो उसके TV यूनिट के पास हम ये वाला दूसरा जॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्प्लाइसिंग हम कम्प्लीट कर रहे हैं, तो ये कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम जाएंगे कस्टमर के घर में। ये वाला वाइट कलर का बॉक्स लगेगा और ये ब्लू पेज कोड के साथ हम यहाँ से पावर निकालेंगे जो राउटर में जाएगा वो वाला पावर। तो ये जो है उसको पावर देने के लिए हमें यहाँ पे जो हम फाइबर लाए थे उससे एक जॉइंट पेज कोड को करना पड़ेगा, मतलब एक जो पैर है वो पेज कोड की रहेगी, ब्लू पेज कोड की, जो हम राउटर में देंगे और दूसरी जो पैर है वो जो हम OLT से पावर लेके आए हैं डिवाइड करके उसको हम पेज कोड से अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें बीच में स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लाइसिंग यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी पावर चेक कर लेते हैं पेज कोड को मीटर में डाल के। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो हमें जो पावर मिल रही है वो -20.35-33 के बीच में हमें ये पावर मिल रही है। अब हम राउटर को अटैच करके उसका पावर देंगे, Cat 6 देंगे और जो पॉन पावर हम लाए हैं वो भी राउटर में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हो पावर की आ गई है, इंडिकेशन Cat 6 की भी आ गई है लैन केबल में और ये पावर पॉन हमें स्टेबल मिल रहा है यहाँ पे। और अब हम राउटर को कैसे कन्फिगर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये राउटर कन्फिग्रेशन में थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके बारे में पूरा अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगला वीडियो आपको ये दे दूंगा कि राउटर को DBC के राउटर को हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है वो हमें अपना पासवर्ड चेंज कर देना है और पासवर्ड चेंज करके ये जो इंटरफेस है वो यहाँ से हमें नए पासवर्ड से ओपन करना है राउटर को। नेटवर्क में जाके अपने VLAN और ID डाल के आपको PPPoE में इसको कॉन्फ़िगर करना है और आपका जो भी ID है, ID जो कंपनी ने आपको दी होगी या आपने बनाई है वो यहाँ पे टाइप करके नीचे पासवर्ड और जो सर्विस नेम है वो लिख के पोर्ट बाइंडिंग कर देना है और अप्लाई टू चेंज करना है यहाँ पे आपको। और अप्लाई करने के बाद एक बार स्टेटस में जाके हम वैन में चेक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर आप देख रहे हो अप आ गया है हमारा और यहाँ पर हम जो है वो SSID में जाके जो भी कस्टमर का नाम रखना है इंटरनेट का वाईफाई पकड़ने के लिए वो आपको यहाँ पे SSID में डाल देना है और इसे अप्लाई कर देना है। और उसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी भी है तो सिक्योरिटी में जाके प्रीसेट की जो है वो आपको देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी में है प्रीसेट की नीचे देख रहे हो वहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो रहेगा, वो आप चेंज करके अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि हमने 50 Mbps का जो प्लान दिया था वो प्रॉपर स्पीड दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये स्पीड टेस्ट पे आ गए हैं
यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो में हमको अपलोड और डाउनलोड कितनी स्पीड मिल रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्पीड टेस्ट हो रहा है, आपको पहले जो है वो फर्स्ट अपलोड स्पीड आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हमें 52 Mbps के करीब मिल रही है। और ये जो डाउनलोड स्पीड है वो भी आप देख रहे हो, डाउनलोड स्पीड हमें 56 के करीब यहाँ पे मिल रही है। गाइज, आप भी सूरत गुजरात से बिलोंग करते हो और अपाल गौरवपट रोड या ग्रीन सिटी रोड पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और जो BSNL की सर्विस है वो भी आपको हमारे थ्रू यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।